हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो है, दिस इज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट लर्निंग। टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट लर्निंग, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट लर्निंग। वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। ओके, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट पॉजिटिव। सो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज डिफाइंड एज व्हेन एन इवेंट अकर्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर बिहेवियर, इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बिहेवियर। जब भी बिहेवियर के ऊपर कोई भी वो बिहेवियर अटेम्प्ट करता है मशीन, अगर उसका आउटपुट मतलब कोई भी आउटपुट आता है, सो एक पॉजिटिव इफेक्ट हो उसकी वजह से, जो इफेक्ट हो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट हो उसे। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट हो, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि इसका जो एडवांटेज है, इस रिइंफोर्समेंट लर्निंग का जो एडवांटेज है वो ये है कि सबसे पहले मैक्सिमाइज करता है परफॉर्मेंस को, ये मैक्सिमाइज करता है परफॉर्मेंस को। दूसरा, सस्टेन चेंजेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन करता है चेंजेस को। तीसरा, टू मच रिइन्फोर्समेंट कैन लीड टू एन ओवरलोड ऑफ स्टेट्स विच कैन डिमिनिश द रिजल्ट्स। सो जो टू मच रिइन्फोर्समेंट है वो ओवरलोड कर सकता है स्टेट्स के ऊपर, जो कि रिजल्ट को डिमिनाइज कर सकता है, ठीक है। सो ये इसका मतलब एक मतलब डिसएडवांटेज भी है, जो थर्ड वाला है वो एक तरीके से एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज दोनों ही है। अब नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव से जाते हैं। नेगेटिव रिस्पॉन्स रिइंफोर्समेंट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिहेवियर बिकॉज अ नेगेटिव कंडीशन इज स्टॉप्ड और अवॉइडेड। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। सॉरी, STREENGTHENING, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं जिसकी बिहेवियर। ठीक है, क्यों? बिकॉज एक नेगेटिव कंडीशन इज स्टॉप्ड और अवॉइडेड, स्टॉप्ड और अवॉइडेड, ठीक है। सो ये इंक्रीज करता है बिहेवियर को, प्रोवाइड करता है डी फाइनेंस फिनेंस टू अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। इट ओनली प्रोवाइड्स इनफ टू मीट अप द मिनिमम बिहेवियर। सो ये इसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हो गए, ठीक है। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल फॉर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। सो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एग्जांपल इज, सपोज एक बच्चा है आपका छोटा सा, अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको पीस ऑफ चॉकलेट देते हैं, तो वो ये अच्छा काम, ये बिहेवियर भविष्य में भी रखना चाहेगा, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। वहीं नेगेटिव रिइन्फोर्समेंट क्या हो गया ना, कि मान लीजिए कि आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, आप एक इंसान हो, आपको दर्द हो रहा है और आपने एक पेन किलर लिया और उससे ये जो दर्द था वो चला गया, तो भविष्य में अगर आपको ये दर्द होगा तो उसके एंटीटोड के तौर पे आप ये दवाई लोगे। तो ये हो गया नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, जो कि किसको मतलब कम कर रहा है, जो एक नेगेटिव आस्पेक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये रिमूव कर रहा है, अवॉइड कर रहा है अनप्लीजेंट स्टिमुलस को, ठीक है, बिहेवियर के अंदर। तो ये उस चीज को वो कर रहा है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक नेगेटिव इफेक्ट को बिहेवियर के अंदर
उसको रिमूव कर रहा है, उसको अवॉइड कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आप ये समझ में आया। फिर से बताता हूँ, जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है इज डिफाइंड एज व्हेन एन इवेंट अकर्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो वो जो इवेंट है वो इंक्रीज कर देता है स्ट्रेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर। कैसे? कि हम उसको रिवॉर्ड करते हैं भविष्य में, हम उस उसकी फ्रिक्वेंसी को रिवॉर्ड करेंगे। एक इवेंट हुआ, हमने उसको रिवॉर्ड किया, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है या फ्रिक्वेंसी ऑफ बिहेवियर है वो बार बार में होने लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट ये है कि वो स्ट्रेंथनिंग करता है ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की स्ट्रेंथनिंग करता है बिकॉज अ नेगेटिव कंडीशन इज स्टॉप्ड और अवॉइडेड। जो नेगेटिव कंडीशन है, जो आप दर्द हो रहा था, ये नेगेटिव कंडीशन है, वो उसको स्टॉप कर दिया, इसीलिए उस बिहेवियर को उसने स्ट्रेंथनिंग दी। उसको ये विश्वास दिलाया कि अगर ऐसी नेगेटिव कंडीशन भविष्य में आए तो आप इसी स्ट्रेंथ के साथ में टिके रहे। सो आई होप ये आपको समझ में आया। सो अब जो अगला टॉपिक है अपने पास में वो है एलिमेंट्स ऑफ रिइंफोर्समेंट लर्निंग। एलिमेंट्स ऑफ आर एल रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो जो रिइंफोर्समेंट लर्निंग के जो एलिमेंट्स है वो पहला है पॉलिसी, दूसरा है रिवॉर्ड फंक्शन, ठीक है, तीसरा है उसका वैल्यू फंक्शन, चौथा है उसका मॉडल ऑफ इन्वायरमेंट, मॉडल ऑफ द इन्वायरमेंट। चल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पॉलिसी। पॉलिसी क्या दर्शाता है? पॉलिसी डिफाइन्स द लर्निंग एजेंट बिहेवियर फॉर गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में जो लर्निंग एजेंट है उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ लर्निंग, लर्निंग एजेंट बिहेवियर, सबसे पहला, ठीक है, एक गिवन टाइम पीरियड के लिए। इट इज अ मैपिंग फ्रॉम प्रिसीव्ड स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट टू एक्शंस टू बी टेकन विच इन दोज स्टेट्स। ये एक मैपिंग है, जो भी प्रेजेंट स्टेप्स है उनको किस तरीके से हमें अगले स्टेप के साथ में मैप करना है, ठीक है, अगले एक्शंस के साथ में मैप करना है। तो इसकी डोमेन होगी स्टेट और को डोमेन हो गया उसका एक्शन, ठीक है। वो स्टेट समझेगा और हर एक स्टेट के ऊपर क्या एक्शन लेना है वो पॉलिसी हमने डिफाइन कर दी। हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक इन्वायरमेंट के अंदर। देखिए हमने एक मैपिंग की, फंक्शन, कोई भी एक पॉलिसी हम बनाते हैं ना एज ए सरकार के तौर पे, कि भाई आपकी जो स्टेट है, स्टेट बोले तो कि जो करंट स्थिति है, ठीक है, उसके आधार पे क्या एक्शन लेना है हमें। तो ये हमने एक मैपिंग सेट कर दी, उसे हमने पॉलिसी बोला। फिर है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम के लिए वो इम्पोर्टेंट है रिवॉर्ड फंक्शन, ठीक है। इट इज यूज टू डिफाइन अ गोल इन आर एल प्रॉब्लम। रिइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम में हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं गोल को। हमारे सामने एक गोल होता है, उसे हम डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अ रिवॉर्ड फंक्शन इज अ फंक्शन, रिवॉर्ड फंक्शन एक फंक्शन है दैट प्रोवाइड्स अ न्यूमरिकल स्कोर बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब कि वो एक न्यूमरिकल स्कोर देता है, किसके आधार पे, स्टेट के आधार पे, कि जो करंट स्टेट है वो जो गोल स्टेट है किस उससे कितना मतलब मिलता जुलता है, गोल स्टेट से कितना मिलता जुलता है, उस आधार पे हम न्यूमेरिकल स्कोर उसको देते हैं, ठीक है। वो जो डिफाइन होता है रिवॉर्ड फंक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, ठीक है। वैल्यू फंक्शन क्या कहता है, ये स्पेसिफाई करता है कि व्हाट इज गुड इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमारे लिए क्या बढ़िया है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड इन दिस सिचुएशन दैट। ओके, द वैल्यू ऑफ ए स्टेट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड एन एजेंट कैन एक्सपेक्ट टू
accumulate over the future, ओके स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्टेट. सो कहता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि वॉट इज गुड इन लॉन्ग रन, जो वैल्यू है स्टेट की, एक टोटल अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड है एक एजेंट का, वो एक्सपेक्ट करता है, मतलब ओवर ए फ्यूचर, ओवर द फ्यूचर. हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम जहाँ तक गोल तक पहुँच रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो कितने नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स पाएगा. सो उस चीज़ को हम वैल्यू फंक्शन से स्पेसिफाई करते हैं कि वो रिटर्न करता है हमें वैल्यू, ठीक है, कि लॉन्ग रन में हमारे पास में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, ये चीज़ हम डिफाइन कर पाते हैं इसकी मदद से, ठीक है. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ दिस. ओके नेक्स्ट वी हैव मॉडल ऑफ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के कौन कौन से मॉडल हैं, ठीक है. सो मॉडल्स आर यूज्ड फॉर प्लानिंग. जो मॉडल्स है वो हम प्लानिंग के लिए यूज करते हैं. तो अब अपने पास में है क्रेडिट असेसमेंट प्रॉब्लम, सबसे पहला जो है. अगला जो है अपने पास में क्रेडिट असेसमेंट, सॉरी असाइनमेंट प्रॉब्लम. क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम स्पेसिफाइज इन रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स लर्न टू जनरेट एन इंटरनल वैल्यू फॉर इमीडिएट स्टेट्स एज टू हाउ गुड दे आर इन लीडिंग टू द गोल. ओके द लर्निंग डिसीजन मेकर इज कॉल्ड एन एजेंट दैट वी नो. द एजेंट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट दैट इंक्लूड एवरीथिंग आउटसाइड द एजेंट. जब एजेंट इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, तो जो भी है आउटसाइड द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एजेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. द एजेंट हैज सेंसर टू डिसाइड ऑन दिस स्टेट इन द इन्वायरमेंट एंड टेक डिसीजंस दैट मॉडिफाइज इस स्टेट्स. सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स अंडर क्रेडिट असेसमेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वी हैव द रेनफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम. दैट काइंड ऑफ मॉडल इज एन एजेंट कंटिन्यूअसली. नेक्स्ट वी हैव आर एल प्रॉब्लम मॉडल. प्रॉब्लम मॉडल सो इट इज एन एजेंट कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद एन इन्वायरमेंट. द एजेंट एंड द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट इन अ सीक्वेंस ऑफ टाइम स्टेप्स, लाइक इट इंटरेक्ट इन सीक्वेंस ऑफ टाइम स्टेप्स. एट ईच टाइम स्टेप टी द एजेंट रिसीव्स द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड ए स्केलर न्यूमेरिकल रिवॉर्ड फॉर द प्रीवियस एक्शन एंड देन द एजेंट देन सेलेक्ट्स एन एक्शन. जो RL है ये एक टेक्निक है सॉल्व करने के लिए, मार्कोव जो डिसीजन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये एक टेक्निक है, ये एक मॉडल है, ठीक है. फिर से बताता हूँ, ये एक प्रॉब्लम मॉडल है एक एजेंट का, जहाँ पर वो कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ में. जो एजेंट और इन्वायरमेंट है वो इंटरेक्ट करता है एक सीक्वेंस ऑफ टाइम स्टैम्प्स के अंदर. हर एक टाइम स्टैम्प टी के अंदर एजेंट रिसीव करता है एक स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की एक स्टेट और एक स्केलर न्यूमेरिकल रिवॉर्ड, ठीक है, जो प्रीवियस एक्शन के लिए जो उसको स्केलर न्यूमेरिकल रिवॉर्ड मिला था वो उसको रिसीव करता है. और फिर एजेंट एजेंट सेलेक्ट करता है अगले एक्शन को, ठीक है. सो ये एक मार्क मार्क को जो डिसीजन प्रॉब्लम है उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक है, ठीक है. अगला जो है अपने पास में वो है रेनफोर्समेंट लर्निंग यूजेस अ फॉर्मल फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द इंटरेक्ट बिटवीन अ लर्निंग एजेंट एंड इट्स एनवायरमेंट इन द टर्म ऑफ स्टेट्स एक्शंस एंड रिवॉर्ड्स. दिस फ्रेमवर्क इज इंटेंडेड टू बी अ सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स ऑफ द AI प्रॉब्लम. जो RL है वो यूज करता है एक फॉर्मल फ्रेमवर्क को, जो कि डिफाइन करता है एक इंटरेक्शन बिटवीन, एक इंटरेक्शन है किन दोनों के बिटवीन, एक लर्निंग एजेंट, इधर तो लर्निंग एजेंट हो गया, एजेंट हो गया, और इधर हो गया उसका इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वो है स्टेट, उसका एक्शन और उसके रिवॉर्ड्स इस टर्म्स में. तो ये जो फ्रेमवर्क है वो
एक सिंपल वे वे है जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसेंशियल फीचर्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इसेंशियल फीचर्स हैं उसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने के इरादे से इस फ्रेमवर्क को हम बनाते हैं, ठीक है। सो जो वेरियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रिइंफोर्समेंट लर्निंग की, वो पहला तो हो गया रोबोटिक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जब बार बार एजेंट की बात कर रहे हैं तो एजेंट से हमें विनोद एजेंट की मूवी याद आती है, ओ मेरी जा मेरे को मजनू बना के, वो मूवी है ना, उसमें जो ये गाना है उसमें एजेंट होता है ना, तो वैसे ही रोबोट एक एजेंट हो गया। फिर ये ML एंड डेटा प्रोसेसिंग के भी काम में आता है, ठीक है। फिर हम इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं एक ट्रेनिंग सिस्टम जो कि प्रोवाइड करे एक कस्टम इंस्ट्रक्शंस या फिर मटेरियल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, या फिर कोई भी इंडस्ट्री में मान लो तुम्हें कस्टमाइजेशन चाहिए, कस्टमाइजेशन ऑफ स्टेप चाहिए, तो इट कैन बी अचीव्ड विद द यूज ऑफ RL, ठीक है। सो एक एक करके आप थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। रोबोटिक्स में हो गया कि मान लीजिए कि हमने रोबोट्स के अंदर प्री प्रोग्राम कर दिए बिहेवियर जो कि यूजफुल है एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो जो बिहेवियर वो है वो हमने स्पेसिफाई कर दिए, सच एज असेंबली लाइन या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, तो जहाँ पर जो टास्क है वो रिपीटिव है इन नेचर। दूसरा है मास्टर चेस प्लेयर, जो उनके मूव्स है, ठीक है, जो भी मूव्स है चेस के अंदर, उनको द चॉइस इज इन्फॉर्म्ड बोथ बाय प्लानिंग एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम रिप्लाइज एंड इनकाउंटर रिप्लाइज। फिर एन अडेप्टिव कंट्रोल एडजस्ट पैरामीटर्स ऑफ अ पेट्रोलियम रिफाइनरीज ऑपरेशन इन रियल टाइम। फिर RL कैन बी यूज्ड इन लार्ज इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, जहाँ पर अ मॉडल ऑफ द इन्वायरमेंट इज नॉन बट एन एनालिटिक्स सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल। जो इन्वायरमेंट का जो वो है मॉडल है वो तो हमें पता है, उसके बारे में हमें सब पता है, ठीक है, लेकिन एनालिटिकल जो सॉल्यूशन है वो अवेलेबल नहीं है, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया ओनली अ सिचुएशन मॉडल ऑफ द इन्वायरमेंट इज गिवन द सब्जेक्ट ऑफ सिमुलेशन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर, और द ओनली वे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट इज टू इंटरेक्ट विद इट। सो इन सब सिचुएशन में RL एक मतलब बहुत ही कारगर है, ठीक है। सो एडवांटेज ऑफ RL आई विल टेल यू एंड डिसएडवांटेज ऑफ RL। सबसे पहले जो एडवांटेज है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में जिनको हम कन्वेंशनल टेक्निक से सॉल्व नहीं कर सकते, सो विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा है मॉडल कैन करेक्ट द एरर्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस, सो वो उनको करेक्ट कर सकता है, ठीक है, जहाँ पर वो ट्रेनिंग प्रॉब्लम ट्रेनिंग के दौरान जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको करेक्ट कर सकता है। इन RL ट्रेनिंग डेटा इज ऑब्टेंड वाया द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द एजेंट विद इन्वायरमेंट, सो प्री डिफाइंड करने की जरूरत नहीं है, ड्यूरिंग इन्वायरमेंट से जब वो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसी दौरान ट्रेनिंग डेटा भी आ सकता है, ठीक है। तीसरा जो है रिइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर, वो हैंडल कर सकता है उन तरीके के इन्वायरमेंट्स को जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ऑटोमेटा के अंदर में आता है, ठीक है। बाद में अपना अगला जो है वो है रिइंफोर्समेंट लर्निंग कैन बी यूज टू सॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग दोज दैट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है दैट कैन बी कंबाइंड विद अदर ML टेक्निक्स ऑल्सो, जैसे कि डीप लर्निंग हो गई, इसकी मदद से हम इम्प्रूव कर सकते हो परफॉर्मेंस को। लेकिन कहते हैं ना, हर एक अच्छी चीज के साथ में उसके डिसएडवांटेज भी, हर एक चीज पूरी परफेक्ट नहीं हो सकती, उसके अंदर हम उसके डिसएडवांटेज भी ढूंढते रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की ये एक मानसिकता होती है कि वो एडवांटेज के साथ में डिसएडवांटेज भी देखता है। सो जो RL है वो नॉट प्रेफरेबल है, या हम सिंपल प्रॉब्लम के साथ में इसको कर रहे हैं तो भाई इट्स नॉट प्रेफरेबल, आप इसको लगा कर करोगे तो भाई साहब गलत कर रहे हो आप, इसको बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत सारी कंपटीशन चाहिए,
So it require a lot of data. Again, not compatible. हाईली डिपेंडेंट है जो क्वालिटी ऑफ रिवॉर्ड फंक्शन के ऊपर, कि भाई वो जो शाबाशी कितना दे रहा है। जो रिवॉर्ड फंक्शन अगर पुअरली डिजाइंड है ना यहाँ पर, तो एजेंट लर्न करना डिजायर्ड बिहेवियर अपन उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हरल कैन बी डिफिकल्ट टू डिबग एंड इंटरप्रेट, इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर वाई एजेंट इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंड फिक्स द प्रॉब्लम। ओके, सो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा पाइथन का, और लेट मी स्टार्ट जुपिटर नोटबुक, लेट मी लॉन्च। तो ये इसका प्रोग्राम हो गया, इसके अंदर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जिम लाइब्रेरी नम पाई एज न एन पी, और क्यू टेबल और लर्निंग रेट को हम यहाँ पर डिफाइन करके, और ये यहाँ पर क्यू लर्निंग एल्गोरिथम के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं इसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा आपको। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।